Hey everyone, and welcome back to my YouTube channel Physio's Healing Touch. So I hope you all are doing amazing, and our today's topic is going to be on liver. जो liver chapter है वो एक बहुत ही important chapter है exercise therapy subject के अंदर, and these are the terms which you will come across with in this chapter. So सबसे पहले मैं आप लोगों को ये सारी terms समझाऊंगी, क्योंकि if you will able to thoroughly understand these terms, then आपके लिए liver chapter समझना काफी आसान हो जाएगा. So I will explain you these terms through these two diagrams. तो जो first है term वो है liver. So liver basically एक rigid rod होती है या फिर rigid bar होती है. जैसे एक इस example के अंदर जो हमारी bone है वो एक लीवर की तरह एक्ट कर रही है. सो हमारी जो बोन है वो एक लीवर की तरह एक्ट कर रही है, और जो लीवर होता है वो केपेबल होता है मूवमेंट के लिए. सो लीवर इज केपेबल ऑफ मूवमेंट, लेकिन अगर हम एफर्ट लगाए तो, अगर हम इस लीवर को, इस बोन के ऊपर अगर हम एफर्ट लगाएंगे, देन इट इज केपेबल ऑफ मूवमेंट. और एफर्ट लगाता कौन है? हमारी मसल्स. जैसे ही हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी कि जब वो एफर्ट लगाती है, तो हमारी जो बोन होती है वो मूव कर जाती है. तो लीवर आर केपेबल ऑफ मूवमेंट अगर हम उसके ऊपर एफर्ट लगाए तो. अब इस एग्जांपल के अंदर अगर आप देखोगे तो ये एक सीसॉ है, जिसके अंदर ये जो ये है ये एक लीवर की तरह एक्ट कर रही है. ये जो रिजिड बार है वो एक लीवर की तरह एक्ट कर रही है. इन दिस एग्जांपल अगर ये जो पावरफुल गाय है अगर ये एफर्ट लगाएगा थोड़ा सा भी, तो फिर ये जो रिजिड बार है वो मूव कर जाएगी. सो दिस रिजिड बार और लीवर इज केपेबल ऑफ मूवमेंट जब भी हम उसके ऊपर एफर्ट लगाए तो. अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है फल्क्रम. तो जो फल्क्रम होता है, आपने इस डायग्राम के अंदर देखा होगा कि दिस लीवर इज बेसिकली मूविंग अराउंड ए फिक्स्ड एक्सिस व्हिच इज मेड बाय दिस जॉइंट. तो ये जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट है ये एक फिक्स्ड एक्सिस बना रहा है, जिसके अराउंड जो हमारा लीवर है या फिर हमारा जो बोन है वो मूव कर रहा है. तो जो लीवर होता है हमेशा एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड मूव करता है, जिसे हम फल्क्रम बोलते हैं. अब इस डायग्राम के अंदर ये जो सी सॉ थी, ये जो लीवर था वो एक ट्राइंगुलर बेस के अराउंड मूव कर रहा है. इसके अंदर ये जो पॉइंट हुआ जिसके अराउंड, जिस एक्सिस के अराउंड जो हमारा लीवर जो होता है वो मूव करता है, तो उसको बोलते हैं फल्क्रम. इसके अंदर ये फल्क्रम की तरह एक्ट कर रहा है. तो ये हमारा हुआ फल्क्रम इसके अंदर. और हमारा जो ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारा जो जॉइंट होता है वो एक फल्क्रम की तरह एक्ट करता है, जिसके अराउंड जो हमारा लीवर होता है वो मूव करता है. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एफर्ट. तो एफर्ट टर्म मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा ही दी है. जैसे इस एग्जांपल के अंदर जैसे ही मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने बेसिकली एफर्ट लगाया, तो ये जो एक हमारा लीवर है तो इसके एक पॉइंट के ऊपर हुई हमारी मसल जो कि एफर्ट लगा रही है, और दूसरे पॉइंट के ऊपर हुआ हमारा वेट जो कि रेजिस्टेंस होता है. जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट टर्म वही है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी. तो फर्स्ट है एफर्ट. तो एफर्ट हमारा जो लीवर है उसके एक पॉइंट पे हमें एफर्ट लगाना पड़ता है. जैसे इस एग्जांपल के अंदर ये पूरे लीवर थी और इसके एक पॉइंट के ऊपर जो ये गाय है वो एफर्ट लगा रहा है. तो ये होता है एफर्ट, जिसके कारण जो लीवर होता है वो मूव करता है. अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है वेट. इसको हम रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं. तो इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हो कि ये हमारा पूरा लीवर था, तो उसके दूसरे एंड के ऊपर एक दूसरा फोर्स होता है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं. तो इस केस के अंदर ये 2 kg का वेट जो है वो लिफ्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एफर्ट जो कि मसल अप्लाई कर रही है. और इसके अंदर आप देख सकते हो कि इस लीवर के दूसरे एंड के ऊपर ये वेट है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है. तो एक लीवर के अंदर आपको एक पॉइंट पे दिखेगा कि एफर्ट लगा रहे हैं, और दूसरे पॉइंट के ऊपर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा. अब जो नेक्स्ट है वो है एफर्ट आर्म और वेट आर्म. तो एफर्ट आर्म का बेसिकली मतलब होता है जैसे ये फल्क्रम है, तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि फल्क्रम से लेकर यहाँ पे जो एफर्ट लग रहा है तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म. यानी कि फल्क्रम से लेकर जिधर भी एफर्ट, जिधर तक भी जितनी भी लेंथ में एफर्ट आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एफर्ट आर्म. अब नेक्स्ट है वेट आर्म. तो इसी की तरह वेट आर्म का मतलब होता है कि वेट से लेकर जहाँ पे भी रेजिस्टेंस आ रहा है वहां से लेकर जो फल्क्रम है वो जो डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज वेट आर्म. तो ये हो गया एफर्ट आर्म और वेट, ये हो गया वेट आर्म. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फल्क्रम एंड वेट इज नोन एज वेट आर्म, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम टू एफर्ट इज नोन एज एफर्ट आर्म.
और इन दोनों की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इन दोनों की क्या सिग्निफिकेंस है, और इसी के बेस्ड हम है ना एक्सरसाइज भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं हमारे पेशेंट को इनके बेसिस पे, वो मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगी कि कैसे हम इसके, अगर आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता होगा तो आप कैसे पेशेंट को भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू उनकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर वो वीक होगा तो आपको शॉर्ट लीवर के अंदर एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी, और अगर वो उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है तो हम लॉन्ग लीवर के अंदर भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगी कि कैसे होता है। अब मैं आप लोगों को वेट आर्म और एफर्ट आर्म का सिग्निफिकेंस बताती हूँ। जैसे ये एक लीवर है जिसके ऊपर ये एक फलक्रम है, फलक्रम हम पहले इसको थोड़ा सा साइड में इधर बना देते हैं। तो यहाँ पे था वेट और यहाँ पे था एफर्ट। आप देख सकते हो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फलक्रम से एफर्ट में अगर हम देखेंगे तो ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है, बजाय ये जो हमारा वेट है और इसके अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें फलक्रम से तो ये डिस्टेंस काफी कम है, और जो एफर्ट आर्म की जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है। तो इस केस के अंदर हमें, इस लीवर के अंदर हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। वॉट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज? सो मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब यही है कि जब भी हमारी एफर्ट आर्म ज्यादा होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो ज्यादा होता है, तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है उस रेजिस्टेंस को लिफ्ट करने में। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे 10 केजी का रेजिस्टेंस रखा हुआ था और हमारा जो लेकिन एफर्ट आर्म है वो काफी लॉन्ग है, तो इसके अंदर हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा और उस 10 केजी के वेट को हमें लिफ्ट करने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज। लेकिन सपोज करो इस सिचुएशन को हम अपोजिट कर देते हैं। Now in this situation, you can see the effort arm is smaller and the weight arm, which is this, is longer. ये कितना ज़्यादा long है बजाय जो effort arm है उससे। तो इसके अंदर जो mechanical disadvantage मिलेगा, mechanical disadvantage का ये मतलब होता है कि हमें जो भी वो weight है उसको lift करने में बहुत ज़्यादा efforts लगेंगे। तो ये होता है mechanical disadvantage। तो जब भी हमारा जो weight arm होता है वो long होता है बजाय effort arm के, तो उस time हमें mechanical disadvantage मिलता है। लेकिन अगर हमें effort arm ज़्यादा long होगा बजाय weight arm के, तो उसके अंदर हमें mechanical advantage मिलेगा, यानी कि हमें कम efforts लगाने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर वेट को लिफ्ट करने। बेसिकली देयर आर 3 लीवर्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और ये तीनों एक दूसरे से अलग है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द पोजीशंस ऑफ फल्क्रम, एफर्ट एंड वेट। सो मैं आप लोगों को बताऊंगी इन तीनों के अंदर कैसे डिफरेंट है इन तीनों की पोजीशंस, और उसकी वजह से ये तीन लीवर्स हैं। तो इसको एक सिंपल सा याद रखने का तरीका है, जैसे जो लीवर फर्स्ट है उसके अंदर जो सेंटर में आता है वो है फल्क्रम, जो सेकंड लीवर के अंदर जो सेंटर में आता है वो है वेट, और जिसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं तो हम इधर आर लिख देते हैं, और लीवर थर्ड के अंदर जो सेंटर में आता है वो होता है ई और एफोर्ट। तो इसको हम याद रख सकते हैं फ्री। सो फ्री से हम याद रख सकते हैं कि जो लीवर फर्स्ट है उसके अंदर सेंटर में फलक्रम आता है और उसके साइड में आपको एफोर्ट और वेट मिलेगा। जो लीवर सेकंड है उसके अंदर सेंटर में रेजिस्टेंस आता है या फिर जिसको हम वेट बोलते हैं, तो इसके आसपास हमें लीवर के एंड में मिलेगा हमें फलक्रम या फिर एफर्ट, और लीवर थर्ड के अंदर हमें सेंटर में एफर्ट मिलेगा तो उसके आसपास हमें फलक्रम या फिर वेट या फिर रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं वो मिल सकता है। तो फ्री एक तरीका है इनको याद रखने का, ताकि आपको कभी भी, आप जैसे ही आपको फ्री याद आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली सारी पोजीशंस जो है इन सारे लीवर्स की याद आ जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है इसको याद रखने का। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर लीवर। सो अकॉर्डिंग टू द फ्री एक्रोनिम, जो फर्स्ट ऑर्डर लीवर होता है उसके अंदर जो फलक्रम होता है वो सेंटर में आता है। तो जैसे ये हमारा एक लीवर है और उसके अंदर जो फलक्रम होगा वो सेंटर में आएगा और उसके आसपास एफर्ट और रेजिस्टेंस आएगा, और ये है फलक्रम। तो इसके अंदर, इस लीवर को हम लीवर ऑफ स्टेबिलिटी भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर फलक्रम सेंटर में आता है और एक तरह से हमें इस लीवर के अंदर एक स्टेबिलिटी अचीव हो सकती है। और जो फर्स्ट ऑर्डर लीवर होता है इसके अंदर अगर फलक्रम, का जो प्रिंसिपल है वो ये है, अगर फलक्रम जो है वो एफर्ट, जैसे ये एफर्ट है तो ये अगर फलक्रम एफर्ट की तरफ ज़्यादा होगा, यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस आर्म या फिर जो वेट आर्म होगा वो ज़्यादा, उसकी जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, और जो एफर्ट आर्म है उसकी लेंथ अगर कम होगी, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उस रेजिस्टेंस को लिफ्ट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर मैकेनिकल डिसएडवांटेज मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस आर्म है वो ज़्यादा
लंबा है बजाय जो एफर्ट आर्म है उसके। और उसके अलावा अगर जो फलक्रम है वो रेजिस्टेंस के नियर होगा, जैसे ये फलक्रम है और ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये एफर्ट है, तो इसके अंदर जो एफर्ट आर्म है उसकी लेंथ ज्यादा है बजाय जो हमारा वेट आर्म है उसके, तो इसके अंदर हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। यानी कि जो भी ऐसे लीवर्स होते हैं जिसके अंदर एफर्ट आर्म ज्यादा लॉन्ग होता है तो उसके अंदर हमें कम एफर्ट लगाना पड़ता है उसी रेजिस्टेंस को लिफ्ट करने के लिए। लीवर एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको अगर कुछ भी एक्सप्लेन करना है यू मस्ट ड्रॉ डायग्राम्स इन योर आंसर शीट। कि अगर आप डायग्राम्स नहीं बनाओगे, ये जो भी डायग्राम्स है, तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि एग्जामिनर आपको मार्क्स बहुत कम देगा। इसलिए अगर आपको लीवर के अंदर मार्क्स स्कोर करने हैं अच्छे, तो हमेशा जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसे डायग्राम बना के और फिर एक्सप्लेन करना। और ये जो ADL के एग्जाम्पल और ह्यूमन बॉडी के एग्जाम्पल है, ये बहुत ज्यादा मस्ट होते हैं, एक तो लिखना और उसके डायग्राम्स बनाना। तो ये जरूर करना जब भी आप लीवर का कोई आंसर लिख रहे हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ADL हमारे एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग के अंदर मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ जिधर लिवर फर्स्ट यूज में आता है। तो फर्स्ट एग्जांपल है सीसो। तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये एक लिवर है और इसके अंदर ये जो है ये ट्रायंगुलर बेस, तो वो फलक्रम की तरह एक्ट कर रहा है। मैं आपको दूसरे पेन से बताती हूँ। तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है वो फलक्रम है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लीवर फर्स्ट होता है उसके अंदर सेंटर में क्या आता है, फलक्रम। तो इसके अंदर सेंटर में फलक्रम आ रहा है। अब इसके अंदर ये जो है वो है एफर्ट और ये है रेजिस्टेंस। मैं बताती हूँ कैसे, क्योंकि ये जो है वो बहुत ज्यादा फैटी बॉय है और फैटी बॉय है इसका मतलब कि इसका वेट ज्यादा है और इसको उसको लिफ्ट करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो इस वजह से ये हुआ हमारा रेजिस्टेंस इस एग्जाम्पल के अंदर और ये हुआ हमारा एफर्ट। इस एग्जाम्पल के अंदर जो रेजिस्टेंस आर्म है और जो एफर्ट आर्म है वो इक्वल लेंथ के है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ जिसके अंदर जो एफर्ट आर्म है वो ज्यादा लंबा है बजाय रेजिस्टेंस आर्म के। तो ये प्लायर है, हम सब ने कभी ना कभी ये यूज में लिया है। तो इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है जिसके ऊपर जिस एक्सिस पे ये पूरा वर्क करता है, तो इसको हम बोलेंगे फलक्रम। अब ये जो है जहां से हम इसको पकड़ के और हमें कोई भी अगर यहाँ पे कोई भी नट हुआ या फिर किसी को भी हमें कंप्रेस करना है, तो यहाँ से हम लगाते हैं इसको एफर्ट। और ये जो होता है, जैसे सपोज करो यहाँ पे कुछ भी है जिसको हमें कंप्रेस करना है, तो वो हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ से फलक्रम से लेके एफर्ट्स तक ये हमारा पूरा हुआ एफर्ट आर्म, और रेजिस्टेंस से लेके फलक्रम तक ये हमारा पूरा हुआ रेजिस्टेंस आर्म। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो एफर्ट आर्म है वो ज्यादा लंबा है बजाय रेजिस्टेंस आर्म के। तो इसके अंदर हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इसमें हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। यानी कि हम जो भी अगर कोई भी ज्यादा से ज्यादा टिपिकल चीज भी इसमें अगर रखेंगे तो हम इजीली उसे कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा क्योंकि इसके अंदर जो एफर्ट आर्म है वो ज्यादा लॉन्ग है बजाय रेजिस्टेंस आर्म के। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है सीजर्स। इसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा कि ये जो हुआ वो फलक्रम हुआ जिसके अराउंड ये पूरा वर्क करती है। तो ये हो गया फलक्रम, यहाँ से हम एफर्ट्स लगाते हुए हैं तो ये हो गया एफर्ट, और यहाँ पे कोई भी पेपर या फिर कुछ भी हमें कट करना है तो वो हो गया रेजिस्टेंस। और जब भी अगर आप आंसर्स लिख रहे होते हो लीवर के ऊपर, तो हमेशा जब भी आप ये डायग्राम्स ड्रॉ करते हो तो उसके साथ में आपको उसके अंदर ये भी मेंशन करना है कि क्या एफर्ट है, क्या फलक्रम है और क्या रेजिस्टेंस है उन डायग्राम्स के अंदर। अब मैं आपको एक ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल बताती हूँ। तो ये हमारा बेसिकली स्कल है, तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो है ये हमारा जो एंटीरियर वाला पोर्शन है जिसमें हमारे टेथ और सब कुछ है, और ये ग्रेविटी को अगेंस्ट होल्ड करके रखना है हमें, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल कर रही है और हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको होल्ड करके रखना है, और इसमें टेथ, टंग और बहुत सारी चीजें हैं। तो उस वजह से ये हमारा क्या हुआ, रेजिस्टेंस। तो ये एंटीरियर वाला जो पोर्शन पूरा हुआ रेजिस्टेंस। और जो एफर्ट जो हमारी लगा रही है, जो हमारी नेक एक्सटेंसर मसल्स होते हैं जो ग्रेविटी के अगेंस्ट हमें होल्ड करके रखती है, क्योंकि अगर ये वीक होगी तो हमारा ड्रॉप हो जाएगा नेक, इस वजह से ये हमारी एफर्ट लगाती है और हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट होल्ड करके रखती है। तो हमारी जो नेक एक्सटेंसर मसल्स हो गई वो हो गई एफर्ट। इसके अंदर जो फलक्रम है वो है
एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, हमारी जो एटलस वर्टिब्रा होती है और जो हमारा ऑसिपिट होता है उनको, वो दोनों मिला के जो एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट बनाते हैं, तो वो बेसिकली हमारा फलक्रम हो गया इस केस के अंदर। तो आपको एक ह्यूमन बॉडी का भी एग्जाम्पल इस आंसर के अंदर लिखना होता है लिवर के, और एक जो एडीएल एक्टिविटीज के अंदर हम जो यूज में लेते हैं इक्विपमेंट्स, तो उनका भी आपको एग्जाम्पल लिखना। नाउ आई विल टेल यू अबाउट सेकेंड ऑर्डर लिवर। तो जो सेकेंड ऑर्डर लिवर होता है अकॉर्डिंग टू फ्री एक्रोनिम, सो इसके जो सेंटर में आता है वो आता है आर, और वी कैन से रेजिस्टेंस और वेट। तो इसके अंदर जैसे ये लिवर है तो इसके अंदर जो फलक्रम होगा वो एंड पे होगा और जो एफर्ट होगा वो एंड पे होगा, लेकिन जो सेंटर पे आएगा वो आएगा रेजिस्टेंस। और दिस लिवर इज ऑल्सो नोन एज लिवर ऑफ पावर, और इसको लिवर ऑफ पावर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे फलक्रम से लेके अगर हम एफर्ट आर्म की लेंथ देखेंगे, उसकी जो लेंथ है काफी बड़ी है। रेजिस्टेंस आर्म की अगर हम लेंथ चेक करेंगे तो यहाँ से फलक्रम से अगर हम चेक करेंगे तो उसकी काफी शॉर्ट है। इसका मतलब इन लिवर्स के अंदर हमें हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। तो जो सेकेंड ऑर्डर लिवर है इनके अंदर हमें हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है, और इसी वजह से इनको लिवर ऑफ पावर भी बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर जो एफर्ट आर्म होगा वो हमेशा लॉन्ग होगा बजाय रेजिस्टेंस आर्म के। नाउ लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। सो सबसे पहले हम ह्यूमन बॉडी के अंदर एग्जाम्पल देखते हैं। तो जब भी हम हील ऑफ करते हैं, हील ऑफ मतलब कि हम लिफ्ट करते हैं हील के ऊपर, तो इसके अंदर जो हमारी एफर्ट लगाती है वो होती है काफ मसल्स। तो जो हमारी जो काफ मसल्स है वो एक तरह से एफर्ट का काम कर रही है, और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है बेसिकली हमारा जो पूरा बॉडी वेट है वो आता है हमारे टैलस बोन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारी टैलस बोन होती है तो उसके ऊपर हमारा सारा के सारा बॉडी वेट जो है उसके ऊपर आता है, और उसी को हमें लिफ्ट करना है। तो जो हमारी टैलस बोन के ऊपर जो हमारा पूरा बॉडी वेट आ रहा है तो वो हो गया हमारा रेजिस्टेंस। और इसके अंदर जो फलक्रम हुआ वो हुआ मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट। जो हमारे मेटाटार्सल्स और फेलेंजीज आपस में आर्टिकुलेट होके जो मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट बनाते हैं, तो वो हो गया हमारा फलक्रम और एक्सिस जिसके ऊपर ये मूव हो रहा है, जिसके ऊपर हमारा जो फुट है वो मूव हो रहा है, तो वो हो गया मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट, जो हो गया हमारा फलक्रम हो गया। अब अगर हम थोड़ा एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग के एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे ये व्हील बैरो है तो इसके अंदर हम इसको पकड़ के और इसको मूव करते हैं, तो इसके अंदर ये हो गया हमारा एफर्ट और ये हो गया हमारा लोड जिसके ऊपर सारा जो भी हमारा सामान होता है, तो ये हमारा लोड हो गया, तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, और ये हो गया जो व्हील हो गया जिस एक्सिस के ऊपर ये मूव कर रहा है, तो ये हो गया हमारा फलक्रम। अब जो नेक्स्ट है ये है नट कटर। तो नट कटर के अंदर हम यहाँ से एफर्ट्स लगाते हैं, तो ये हो गया हमारा एफर्ट, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, और यहाँ पे इस एक्सिस के ऊपर ये मूव करती है, तो ये हो गया हमारा फलक्रम। इसके अलावा ऐसे और बहुत सारे दूसरे एग्जांपल्स भी है, जैसे कि हम जब भी डोर ओपन करते हैं, तो जब हम डोर ओपन करते हैं तो हमारा वो हो जाता है फलक्रम, ये हमारा हो गया फलक्रम। हम जहाँ से पकड़ के इसको मूव कर रहे हैं तो वो हम एफर्ट लगा रहे हैं, और जो डोर का खुद का जो वेट है वो एक तरह से रेजिस्टेंस हो गया। मैं आपको एक और ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल देती हूँ सेकेंड लीवर के अंदर। तो इस डायग्राम के अंदर ये बेसिकली एक स्टूल है, और इसके अंदर हमें अपना जो लेग है उसको लिफ्ट करना है। तो अगर हमें अपना लेग जो है वो लिफ्ट करना है, यानी कि हिप फ्लेक्शन अगर करना है परफॉर्म, तो उसके अंदर जो हिप जॉइंट हुआ वो बेसिकली एक्सिस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उस हिप जॉइंट के ऊपर ही जो मूवमेंट है वो परफॉर्म हो रहा है, तो वो हो गया हमारा फलक्रम। तो ये हो गया फलक्रम। अगर हमें लेग लिफ्ट करना है तो इसके अंदर जो फीमर बोन है वो बेसिकली रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, तो ये जो फीमर हो गया वो हो गया रेजिस्टेंस। और जो एफर्ट लगा रही है जिसकी वजह से ये मूवमेंट परफॉर्म हो पा रहा है, तो वो ये जो मसल है रेक्टस फीमोरिस मसल, तो उसके एफर्ट के कारण हम जो लेग है वो लिफ्ट कर पा रहे हैं, तो ये जो हो गया वो हो गया हमारा एफर्ट। तो ये भी एक सेकेंड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल है, जिसके अंदर हिप जॉइंट जो है वो फलक्रम की तरह काम कर रहा है, जो हमारी फीमर है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, और जो हमारी जो रेक्टस फीमोरिस मसल है वो बेसिकली हमारे लेग को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रही है। तो ये हो गया एक सेकेंड ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल। सो नाउ आई विल टॉक अबाउट द थर्ड ऑर्डर लीवर। सो अकॉर्डिंग टू फ्री एक्रोनिम, जो थर्ड ऑर्डर लीवर है उसके सेंटर में आएगा एफर्ट। तो ये हमारा लीवर है, तो इसके अंदर जो सेंटर के अंदर एफर्ट आएगा और आसपास हमारा होगा फलक्रम और रेजिस्टेंस आर्म। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस आर्म होता है वो हमेशा बड़ा होगा, और जो एफर्ट आर्म है उसकी लेंथ हमेशा
छोटी होगी, तो इस वजह से इसके अंदर हमेशा मैकेनिकल डिसएडवांटेज मिलता है और हमारी बॉडी के अंदर ज्यादातर लीवर जो है वो थर्ड ऑर्डर के ही लीवर है। बट इस लीवर का बेनिफिट ये है कि हम इस लीवर को लीवर ऑफ वेलोसिटी भी बोलते हैं। इन लीवर्स की स्पीड इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो होता है लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस आर्म अपॉन लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म। एंड आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इस लीवर के अंदर जो लेंथ होती है रेजिस्टेंस आर्म की वो ज्यादा होती है हमेशा एज कंपेयर टू एफर्ट आर्म की, तो इस वजह से इसका जो वैल्यू है वो हमेशा ज्यादा आती है। और अगर वेलोसिटी रेशियो की अगर वैल्यू ज्यादा आएगी तो जो लीवर है उस लीवर की जो स्पीड होगी वो भी ज्यादा होगी। तो इस वेलोसिटी रेशियो की जो वैल्यू है इसके अंदर ज्यादा आती है क्योंकि जो लेंथ है रेजिस्टेंस आर्म की वो हमेशा ज्यादा होती है। अब इसके अंदर कुछ ह्यूमन बॉडी के एग्जांपल है, तो इसके अंदर ये हमारा एल्बो जॉइंट है और हम फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो हमारी बाइसेप्स मसल है वो एक तरह से एफर्ट का काम कर रही है, तो वो होगा हमारा सेंटर में क्योंकि थर्ड ऑर्डर लीवर के अंदर एफर्ट सेंटर में होता है। अब ये जो है इसके हैंड के अंदर वेट है तो वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और जो एल्बो जॉइंट है वो एक फुलक्रम का काम कर रही है क्योंकि एल्बो जॉइंट के अराउंड ही हमारा मूवमेंट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा थर्ड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये नी जॉइंट है और ये नी फ्लेक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो इसके अंदर जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल है वो एफर्ट लगा रही है, तो फिर इस वजह से ये हो गई हमारी एफर्ट। और जो हमारा जो लेग है जिसको हम लिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा जो लेग हो गई या फिर टीबिया बोन हो गई बेसिकली, तो वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। या फिर अगर हम यहाँ पर वेट कफ लगा दें तो वो एक तरह से रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो वो हो गया हमारा रेजिस्टेंस। और इसके अंदर जो नी जॉइंट है जिसके अराउंड मूवमेंट हो रहा है तो वो हमारा फलक्रम की तरह काम कर रही है। तो ये हो गए हमारे ह्यूमन बॉडी के एग्जांपल। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कई एग्जांपल है क्योंकि हमारे जो थर्ड ऑर्डर लीवर होता है वो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर होता है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडियल लिविंग के एग्जांपल्स। तो इसके अंदर फर्स्ट है जो हम फिशिंग रॉड यूज में लेते हैं, तो इसके अंदर जो जैसे ये फिश है तो ये एक तरह से रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और इसके अंदर हम दो तरह से जो फिशिंग रॉड को पकड़ते हैं, एक तरह से तो हम एफर्ट लगा रहे होते हैं क्योंकि जैसे हम कोई भी फिश आती है तो उसको हम एफर्ट से हम उसको पुल करते हैं, तो ये वाला जो हैंड है वो एफर्ट लगा रहा है, और जो दूसरा वाला हैंड है वो हमारा स्टेबल ही रहता है। जब भी हम फिशिंग रॉड को पकड़ते हैं तो एक तो हमारा एफर्ट लगा रहा होता है, उस फिश को पुल कर रहा होता है, और जो दूसरा वाला हैंड है वो स्टेबल रहता है, उसके अराउंड सारा के सारा जो मूवमेंट होता है वो उस दूसरे हैंड के अराउंड हो रहा होता है। इस वजह से ये वाला जो हैंड है वो एक तरह से फलक्रम का काम कर रहा है क्योंकि इस हैंड के अराउंड जो वो मूवमेंट है वो सारा परफॉर्म हो रहा है, तो एक हैंड हमारा एफर्ट लगा रहा है और जो दूसरा हैंड है वो फलक्रम की तरह काम कर रहा है। अब नेक्स्ट है शुगर टोंग। जो शुगर टोंग होता है इसके अंदर ये जो हो गया वो फलक्रम हो गया क्योंकि इसके अराउंड ये जो है वो मूव करता है, और यहाँ से हम इसको ग्रैप करके और कोई भी चीज होती है हम उसको पिक करते हैं, तो यहाँ से ही हम उसको ग्रैप करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे वो सेंटर में हो गया एफर्ट, और यहाँ पे कोई भी अगर हमें चीज पिक करनी होती है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो शुगर टोंग भी थर्ड ऑर्डर लीवर का एक एग्जांपल है। और इसी की तरह फोरसेप्स भी होता है, तो फोरसेप्स के अंदर भी सेम टू सेम यही प्रोसीजर चलता है और वो भी एक थर्ड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट है ब्रूम। तो इसी के जैसे ब्रूम के अंदर भी एक जो हैंड होता है उससे हम एफर्ट लगा रहे होते हैं और ब्रूम को मूव कर रहे होते हैं, तो ये वाला जो हैंड है वो हो रहा है एफर्ट लगा रहा है, और जो दूसरा हैंड है वो सिर्फ ऐसे स्टेबिलिटी के लिए होता है, उसके अराउंड ही हम सारा मूव करते हैं, तो ये जो दूसरा हैंड हो गया वो हमारा फलक्रम की तरह एक्ट कर रहा है। अगर आपको ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार ब्रूम को पकड़ के देखना और उसको मूव करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि एक जो हैंड होता है हमारा वो एफर्ट लगाता है और जो दूसरा हैंड होता है उसके अराउंड जो ब्रूम है वो मूव हो रही होती है, तो इस वजह से वो हो गया हमारा फलक्रम और ये हो गया हमारा जो एफर्ट लगा रहा है वो वाला हैंड हो गया। अब जो ये जो है रेजिस्टेंस हो गया क्योंकि यहाँ पे हम जो भी वेस्ट होता है उसको हम मूव करते हैं, तो ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। अब मैं आप लोगों को ये बता कि इस पूरे लीवर के कॉन्सेप्ट को हम कैसे फिजियोथेरेपी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, हम जो भी एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को तो उसके अंदर हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो मेन चीजें होती है वो होता है फलक्रम, एफर्ट और रेजिस्टेंस, और एफर्ट आर्म और रेजिस्टेंस आर्म। तो इसके अंदर जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फलक्रम मेनली होता है वो होता है जॉइंट, लेकिन हम जॉइंट की पोजीशन को तो चेंज कर नहीं सकते, ना ही हम एफर्ट को चेंज कर सकते हैं। जो हमारी मसल का इंसर्शन है जहां पे भी हो रहा है अब उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, वो तो अब जहां पर है
वहां पर है, तो जिस चीज को हम चेंज कर सकते हैं वो है रेजिस्टेंस की जो लेंथ है उसको, तो उस चीज को हम चेंज कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि जो रेजिस्टेंस लेंथ और एफर्ट की जो लेंथ होती है, अगर उसके अंदर चेंजेस आ जाए तो कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। उस चीज के अंदर मैकेनिकल एडवांटेज मिल भी सकता है और मैकेनिकल एडवांटेज नहीं भी मिल सकता है। तो इस वजह से हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हम रेजिस्टेंस लेंथ जो है उसको चेंज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। जैसे मैं शोल्डर अबडक्शन करती हूँ, तो शोल्डर अबडक्शन के अंदर जो मेरा शोल्डर जॉइंट हुआ वो एक फलक्रम की तरह एक्ट कर रहा है, और शोल्डर अबडक्शन हम डेल्टॉइड मसल के थ्रू करते हैं, तो डेल्टॉइड मसल इंसर्ट होती है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के ऊपर। तो यहाँ पे हो गया फलक्रम, जो डेल्टॉइड मसल यहाँ पे आके इंसर्ट हो रही है, तो वो हो गया हमारा एफर्ट, यहाँ पे एफर्ट आ गया। और यहाँ पे सपोज करो कि मैंने कोई डंबल या फिर वेट कफ पकड़ के रखा है, तो वो हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो जब मैं इसको मूव कर रही हूँ तो एक तरह से थर्ड ऑर्डर लेवर हो गया, क्योंकि इसमें एफर्ट जो है बीच में आ रहा है। लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो रेजिस्टेंस लेंथ है, रेजिस्टेंस जो आर्म है वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है, और जो एफर्ट का जो आर्म है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है फलक्रम के थ्रू अगर हम देखेंगे। तो इसके अंदर जो वेट का जो आर्म है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग है, तो इस वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे शोल्डर अबडक्शन करने के लिए। तो इसको अगर कोई वीक पेशेंट होगा तो वो तो कर ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से अगर कोई वीक पेशेंट हुआ तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एल्बो फ्लेक्शन कर सकते हैं। अब एल्बो फ्लेक्शन करने के बाद में जो वेट आर्म है वो शॉर्ट हो गया, तो अब वेट आर्म शॉर्ट हो गया तो उस वजह से जो पेशेंट है उसको शोल्डर अबडक्शन करने में काफी आसानी होगी, उसको कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो ऐसा अपन शॉर्ट लीवर और लॉन्ग लीवर को हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ, जो भी उसकी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम शॉर्ट लीवर और लॉन्ग लीवर को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये जो था शोल्डर अबडक्शन, ये लॉन्ग लीवर के अंदर था, बट ये करना बहुत ही मुश्किल है अगर पेशेंट की जो स्ट्रेंथ है वो वीक है। तो इस वजह से हमने क्या कर दिया, शॉर्ट लीवर कर दिया, और इसके अंदर जो वेट आर्म की जो डिस्टेंस है फलक्रम से वो कम हो गई है। तो इस वजह से ये जो हो गया ज्यादा इजी हो गया पेशेंट को परफॉर्म करने में। और ऐसे कई सारे दूसरे भी एग्जांपल है, जैसे कि हिप अबडक्शन, हिप एक्सटेंशन, वो भी लॉन्ग लीवर और शॉर्ट लीवर के अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि लॉन्ग लीवर के अंदर हिप अबडक्शन ऐसे परफॉर्म होता है और शॉर्ट लीवर के अंदर हिप अबडक्शन ऐसे परफॉर्म होता है, तो वो ज्यादा आसान होता है बजाय लॉन्ग लीवर के। हिप एक्सटेंशन लॉन्ग लीवर के अंदर ऐसे परफॉर्म होता है और शॉर्ट लीवर के अंदर हिप एक्सटेंशन ऐसे परफॉर्म होता है। आई होप दिस वीडियो वॉज नॉलेजेबल फॉर यू ऑल, एंड प्लीज व्हेनेवर यू वॉच एनी वीडियो ऑफ माइन देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूला करो। और प्लीज आपका मुझे बहुत बहुत सपोर्ट चाहिए, और प्लीज लाइक कर दिया करो वीडियो को, क्योंकि ये सारी वीडियोज को बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो प्लीज एटलीस्ट लाइक कर दिया करो मेरी वीडियोज को।